मेरा नाम शिखा है और मैं यहाँ पे IIT गुवाहाटी में PhD कर रही हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ मेस में जो भी सर्व करते हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, कोशिश करूँगी जितना हो सके मैं वहाँ पे दिखा पाऊँ बता पाऊँ। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत शोर होता है। सो या मेस में एंटर करते से ही एक साइड में टेबल होता है और दूसरे साइड में खाना रखा हुआ होता है। पहले तो हम खाना खुद से ही लेते थे, बट अभी क्या है ना, कोविड के वजह से अभी हमें टच करना अलाउ नहीं है, तो जो भी हमें चाहिए होता है वो खुद ही सर्व करते हैं। लाइक आज ब्रेकफास्ट में पराठा और पाव भाजी है, जो कि डे के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसके जगह पे कभी कभी पूड़ी सब्जी, आलू पराठा, दही चीरा, मैगी, चाउमीन, उत्तपम, बट हमेशा ही दो ऑप्शन तो होता ही है। और ये जो स्प्राउट्स है वो कॉमन रहता है, डेली ही मिलता है, जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है दाल वाला पराठा। यूजुअली लोगों को नहीं पसंद होता है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला सेक्शन है जो हमेशा ही सेम रहता है, यहाँ पे होता है एग, ब्रेड और मिल्क, टी, दूध वाला टी होता है और एक होता है रेड टी और बस बनाना सॉस। ओके, अभी हम टेबल पे बैठ चुके हैं। दिस इज व्हाट आई गॉट। संडे स्पेशल होता है जिसमें डोसा मिलता है, तो मेरे ख्याल से हर जगह पे डोसा मिलता है, जितने भी ऑल ओवर द इंडिया जो भी मेस है ना, हर जगह डोसा ही मिलता है लगता है मेरे को। ओके, मैं फिनिश करती हूँ, फिर लंच में मिलते हैं, फिर लंच का बताऊँगी मैं क्या क्या मिलता है। अभी लंच के लिए जा रहे हैं, वैसे मेरे को याद नहीं रहता है कि क्या खाने वाली हूँ, क्या मिलेगा डे वाइज। किसी को भी नहीं याद रहता है क्योंकि हर मंथ में ये चेंज होता रहता है। तो अभी ये मंथ स्टार्ट ही हुआ है, इवन एंड होता तब भी मुझे नहीं पता रहता क्या खाने वाले हैं। तो अभी जाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि लंच में हम क्या खाने वाले हैं। वॉशिंग एरिया, वाटर कूलर, प्यूरिफिकेशन सेटअप। अभी मेस पूरा खाली है क्योंकि हम लोगों ने ऐसा टाइम ही चूज किया ताकि हम बोल सकें, इसलिए आज जल्दी आ गए लंच करने के लिए। आज है लंच में दाल, जिसमें कुछ तो डाला है, ये एसमीज स्पेशल है, मुझे नहीं पता है क्या है, क्या एलिफेंट एप्पल दाल रखा है। और ये है राइस और ये है लौकी की सब्जी, सैलेड, दही, रसम, सांभर, सैलेड और राइस, ये हमेशा ही मिलता है। रोटी में घी वाली रोटी और प्लेन रोटी देते हैं। अब प्लस दाल का क्या है कि एक नॉर्मल दाल होता है, एक बॉयल्ड दाल होता है। बॉयल्ड दाल में मतलब मसूर का दाल जस्ट बॉयल करके दे देते हैं, और उसके बाद बॉयल्ड वेजिटेबल्स होता है, और उसके अलावा जो सब्जी है वो चेंज होती रहती है। ये एरिया जो है ना वो पेड काउंटर है, मतलब अगर आपको एडिशनली कुछ लेना नॉन वेज वगैरह, क्योंकि नॉनवेज डेली नहीं मिलता है, वेंसडे और संडेज को मिलता है, या फिर कुछ ऐसा सब्जी जो है आलू भाजी, पनीर का भुर्जी या फिर एग फ्राई, कुछ भी है ऐसा तो वहाँ पे मिलता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। और ये वाला जो है मिस सब्सक्रिप्शन में ही आता है। आगे हमारी घी वाली रोटी। अभी तक आपने इतना तो देख लिया कि ब्रेकफास्ट और लंच में क्या क्या मिलता है, तो अभी मैं आपको डिनर के बारे में बताती हूँ। डिनर में एक्चुअली क्या है ना कि वीक में दो दिन ऐसा होता है जिस दिन स्पेशल डिनर मिलता है, जिसमें से एक वेंसडे होता है और सेकंड संडे होता है। तो वेजिटेरियंस के लिए पनीर का कुछ आइटम होता है और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन का आइटम्स होता है। अच्छा हाँ, संडेज को ना स्वीट्स भी मिलता है, तो स्वीट या तो आइसक्रीम मिलेगा, नहीं तो रसमलाई वो दे देते हैं, कभी कभी गुलाब जामुन भी दे देते हैं। तो ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब स्वीट बस उसी दिन मिलता है, संडे और वेंसडे को ही नहीं मिलता। अभी हम चलते हैं डिनर करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आज क्या क्या मिलने वाला है। तो अभी डिनर हो चुका है
और हम रूम पे भी आ चुके हैं। दिस इज ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।